सिंपल डेफिनेशन क्या होती है बच्चों डाइपोल की, इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाई मीन्स क्या होता है बच्चों, डाई मीन्स होता है टू एंड पोल मीन्स क्या होता है चार्जेस। मतलब अगर हम लोग दो चार्ज अज्यूम करें, दोनों चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है बच्चों वो कितना है, इक्वल है, और दोनों का जो नेचर है वो बच्चों कैसा है, अपोजिट है। मतलब अगर एक साइन हमने कैसा अज्यूम किया, नेगेटिव, तो दूसरा साइन कैसा होगा बच्चों, पॉजिटिव। अगर ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से बहुत कम सेपरेशन पे होता है, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है ना, अब हम लोग सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं बेटा। आइडियल डाइपोल क्या होता है? आइडियल डाइपोल एक ऐसा डाइपोल जिनमें दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन होता है वो बच्चों नेग्लिजिबल होता है या ऑलमोस्ट जीरो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइपोल। इसका एग्जाम्पल ले हम लोग, सपोज करो इसका एग्जाम्पल हुआ H2O, HCl, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ये हम लोग, इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्यों? क्योंकि एक मॉलिक्यूल की जो साइज होती है बच्चों वो कैसी होती है, वो साइज तो नेग्लिजिबल होती है। अगर हम लोग H2O की बात करें, या सपोज करो हम लोग HCl की बात करें, तो HCl को हम लोग ब्रेक करें H+ और Cl- में, तो मतलब यहाँ कितना कैसा चार्ज हुआ बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। Cl- में कैसा चार्ज हुआ बच्चों, नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि एक मॉलिक्यूल की जो साइज होती है वो कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है वो कैसा है बच्चों, बहुत नेग्लिजिबल है, ऑलमोस्ट जीरो के इक्वल है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको आइडियल डाइपोल। तो आइडियल डाइपोल में आपको सिंपल सा लर्न करना है, एक ऐसा डाइपोल जिसमें दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन नेग्लिजिबल हो या ऑलमोस्ट जीरो होता है, उसे हम लोग बोलते हैं आइडियल डाइपोल। जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं बच्चों, उन्हें हम लोग आइडियल डाइपोल कह सकते हैं। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट डिनोट किससे करते हैं बच्चों, इसको पी से डिनोट करते हैं। नाउ अभी हमने बात की सिंपल डाइपोल की, अब हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो कितना स्ट्रांग है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं बेटा, उसको हम लोग डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट से। तो बच्चों डाइपोल मोमेंट आपको क्या बताता है, डाइपोल मोमेंट आपको किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है, किसी भी डाइपोल की स्ट्रेंथ के बारे में बताता है। अगर हम लोग मैथमेटिकल बात करें, अगर हम लोग मैथमेटिकल इसका फॉर्मूला देना चाहें, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंट यानी कि पी किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड अगर हम लोग लें, यानी कि क्यू इंटू, सपोज करो इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपने कितना अज्यूम किया बच्चों, 2L। स्टैंडर्ड हमने कितना अज्यूम कर लिया, सेपरेशन 2L अज्यूम किया। तो किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड क्यू एंड सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस को अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें फॉर्मूला किसका मिलता है बच्चों, ये फॉर्मूला हमें मिल जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। यानी कि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला हो गया बच्चों, पी इक्वल टू क्यू इंटू टू इंटू पी इक्वल टू क्यू इंटू 2 इंटू एल, यानी पी इक्वल टू क्यू इंटू 2L। नाउ ये जो डाइपोल मोमेंट है बच्चों, ये कैसी क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है बच्चों वो हमेशा आपको लर्न करनी है, फ्रॉम माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। स्टैंडर्ड है बेटा, किसी भी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा होती है माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। ठीक है, और अगर हम लोग इसके यूनिट की बात करें बच्चों, तो इसकी जो ऐसा यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की, ऐसा यूनिट होती है इसकी चार्ज की, ऐसा यूनिट क्या होती है बच्चों, कूलम, एंड लेंथ की हो गई मीटर। देन इसकी ऐसा यूनिट होती है बच्चों, कूलम इंटू मीटर। लेकिन अगर हम लोग इसकी सीजीएस यूनिट की बात करें बच्चों, इंपॉर्टेंट होती है इसकी जो सीजीएस यूनिट होती है बच्चों, उसे हम लोग बोलते हैं डीबाय। जैसे हम लोग बोलते हैं डीबाय, DEBYE, डीबाय। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बच्चों, सीजीएस यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट क्या होती है। कई बार एग्जाम में पूछ चुका है इसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है बच्चों, डीबाय होती है। अगर हम लोग बात करें इसके डायमेंशनल फॉर्मूले की, तो इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है L1T1A1, एल टी इंटू ए, लेंथ टाइम एंड एम्पियर, करंट एम्पियर। ठीक है ना, अब हम लोग बात करते हैं बच्चों एक बेसिक, इसके ऊपर बेसिक न्यूमेरिकल करते हैं डाइपोल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर ये है बच्चों, क्वेश्चन नंबर पहला ये है कि सपोज करो मेरे पास में दो डाइपोल्स गिवन है, इस टाइप से टू डाइपोल्स मुझे गिवन है। यहाँ चार्ज रखा हुआ है माइनस टू क्यू, ये चार्ज है प्लस क्यू, एंड ये चार्ज है प्लस क्यू। आपको बोल रहा है सिस्टम का नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, ये फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चों, अभी आपको मैंने बताया कि डाइपोल मोमेंट एक ऐसी क्वांटिटी है, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग कभी भी सीधा ऐड नहीं करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हम लोग हमेशा वेक्टर लॉ को फॉलो करते हैं। तो बच्चों ये जो माइनस टू क्यू चार्ज है, इसको हम लोग अज्यूम कर सकते हैं माइनस क्यू चार्ज एंड माइनस क्यू चार्ज। एक हम लोग डाइपोल मोमेंट अज्यूम कर लेते हैं ये वाला बच्चों,
माइनस क्यू एंड प्लस क्यू वाला, एंड सेकेंड डाइपोल मोमेंट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं बच्चों ये वाला माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। अच्छा बच्चों बताओ डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी होती है? डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज, मतलब एक पहला वाला जो डाइपोल है इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो बच्चों आपने एज्यूम कर लिया पी, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो होगी माइनस क्यू से प्लस क्यू चार्ज की ओर। सिमिलरली ये जो दूसरा डाइपोल आपने एज्यूम किया इसकी भी डायरेक्शन माइनस क्यू टू प्लस क्यू, और इसका भी जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा बच्चों पी। दोनों डाइपोल को आपने आइडेंटिकल एज्यूम किया है, एंड दोनों डाइपोल्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों थीटा है। आपको पता है कि किसी भी अगर टू वेक्टर से एक दूसरे से थीटा एंगल पे होते हैं तो अगर मुझे रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है तो हम लोग वेक्टर लॉ का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग इसको सॉल्व करें, पी नेट इक्वल टू अंडर रूट टू पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम लोग टू पी स्क्वायर कॉमन लें बच्चों तो ब्रैकेट में बचेगा वन प्लस कॉस थीटा। अगर मैं इसकी आइडेंटिटी हम लोग अप्लाई करें तो वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू होता है टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय टू। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो फाइनल आंसर मिलता है मुझे टू पी कॉस थीटा बाय टू, यानी कि इस सिस्टम का जो नेट डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों वो कितना होगा, वो हो जाएगा टू पी कॉस थीटा बाय टू। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक सिंपल क्वेश्चन करते हैं डाइपोल मोमेंट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बच्चों अपना, इन हाइड्रोजन एटम क्वेश्चन में गिवन है इन हाइड्रोजन एटम द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन एटम एक सिंगल प्रोटॉन होता है और सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 5.29 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मोमेंट। बच्चों हाइड्रोजन एटम में अगर हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ मैंने अज्यूम किया न्यूक्लियस यानी कि प्रोटॉन, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन आपको गिवन है वो कितना गिवन है 5.29 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 मीटर। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि नेट डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, पहले अगर मैं बात करूँ डायरेक्शन की तो आपको पता है कि डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो स्टैंडर्ड होती है बेटा माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर। तो नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो जाएगी माइनस क्यू चार्ज टू प्लस क्यू चार्ज। और अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला हो गया किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी कि 1.6 इंटू 10 रिस्ट टू पावर माइनस 19 इंटू सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेज हो गया 5.29 इंटू 10 रिस्ट टू पावर माइनस 11। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो अपना कुछ आंसर आएगा 5.29 इंटू 10 रिस्ट टू पावर माइनस 19। अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आंसर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, किसमें आएगा बच्चों कूलम इंटू मीटर में। ठीक है, ये बच्चों आपको सॉल्व करना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की एप्लीकेशन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा बोर पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, पहले हम लोग बात करते हैं टू फाइंड डेरिवेशन नंबर वन, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। एक्सियल पॉइंट ऑफ डाइपोल, किसी भी डाइपोल की एक्सिस पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये अपने को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो सिंपल सा मैंने अज्यूम किया कि एक डाइपोल मैंने अज्यूम किया माइनस क्यू चार्ज, और ये वाला चार्ज आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों प्लस क्यू चार्ज, और इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपने अज्यूम कर लिया टू एल। ठीक है, नाउ अब हमने अज्यूम किया कि इसकी सेंटर से सेंट्रल पॉइंट ओ से इसके एक्सिस के ऊपर, एक्सिस का मतलब होता है बच्चों दोनों चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन करती है उसे हम लोग बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो इसके एक्सिस पे आपने एक पॉइंट अज्यूम किया पी, पॉइंट आपने कितना अज्यूम कर लिया बच्चों पी, इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले हम लोग डिस्टेंस की बात करें, अगर हम लोग अज्यूम करेंगे पॉइंट पी की डिस्टेंस सेंटर से आपने कितनी अज्यूम कर ली बच्चों, पॉइंट पी की सेंटर से जो डिस्टेंस आपने अज्यूम कर ली वो आपने अज्यूम कर ली स्मॉल आर। अगर हम लोग माइनस क्यू चार्ज से देखें इस पॉइंट पी की डिस्टेंस तो ये डिस्टेंस हो गई बच्चों आर, प्लस टोटल कितनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक टू एल है, ये मिड पॉइंट है तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बच्चों एल। तो एल प्लस आर यानी कि माइनस क्यू चार्ज से इस पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी बच्चों वो हो जाएगी एल प्लस आर। सिमिलरली प्लस क्यू चार्ज से इसकी जो डिस्टेंस होगी टोटल बच्चों एल है, टोटल आर है, उसमें से अगर हम लोग इस एल को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आर माइनस एल। ठीक है, नाउ
अब मुझे इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो मेरे पास में दो चार्जेस हैं, पहला है माइनस क्यू चार्ज और दूसरा है प्लस क्यू चार्ज। अगर हम लोग माइनस क्यू चार्ज का इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ऑब्वियसली बात है नेगेटिव चार्ज का जो फील्ड होता है बच्चों वो ऑलवेज कहाँ होता है, टूवर्ड्स होता है। तो नेगेटिव चार्ज का फील्ड इस पॉइंट पी पे कैसा होगा, टूवर्ड्स होगा। और अगर हम लोग इसके मैग्नीट्यूड की बात करें बच्चों तो ई माइनस ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इसका जो फील्ड होगा ई माइनस इक्वल टू फॉर्मूला होता है के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि आर प्लस एल का होल स्क्वायर। और इसकी जो डायरेक्शन है बच्चा वो कैसी है, इसकी डायरेक्शन है टूवर्ड्स। सिमिलरली अगर हम लोग प्लस क्यू चार्ज की बात करें तो प्लस क्यू चार्ज का इस पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों वो कैसा होगा, अवे होगा। पॉजिटिव चार्ज का फील्ड ऑलवेज कैसा होता है, अवे होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का जो फील्ड होगा बच्चों वो अवे होगा। और इसके हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ई वैक्टर ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और इसकी डायरेक्शन जो होगी बच्चों वो कैसी होगी, अवे होगी। नाउ मुझे इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। आपको पता है अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वेक्टर में से दूसरे वेक्टर को माइनस करते हैं। नाउ अब मुझे ये देखना है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है और कौन सी क्वांटिटी छोटी है। तो इसका डिनोमीटर माइनस में है मतलब कम है, मतलब ये वाली नेट क्वांटिटी बड़ी होगी। तो हम लोग माइनस करेंगे ई पॉजिटिव माइनस ई नेगेटिव इक्वल टू के क्यू, मैंने कॉमन लिया, वन अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको हम लोग सॉल्व करें यहाँ पे, के क्यू एलसीएम कितना है बच्चों, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। बट मुझे मैथ्स की आइडेंटिटी पता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ आ गया आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नाउ अगेन मैंने आइडेंटिटी अप्लाई की, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटू माइनस माइनस बी स्क्वायर एंड माइनस टू ए बी, बट माइनस इंटू माइनस विल बी इक्वल टू प्लस प्लस टू ए बी अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल आउट, देन इट विल बी इक्वल टू के क्यू टू आर एल प्लस टू आर एल विल बी इक्वल टू फोर आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर बच्चों हम लोग इस डाइपोल के डाइपोल मोमेंट की बात करें तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा बच्चों P इक्वल टू कितना होगा, Q इंटू टू एल, ठीक है। तो ये जो आपका फोर है इसको हम लोग टू इंटू टू से मल्टीप्लाई कर दें, इस टू को मैंने बाहर लिया, Q इंटू और जो मैंने टू एक टू को मैंने रख दिया यहाँ पे अंदर, और R आपका एज इट इज रहा है अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देन इट विल बी इक्वल टू टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये मिल गया आपको एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड टू के पी आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर हम लोग यहाँ पे कंडीशन एज्यूम करें आर इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन एल, मीन्स दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन जो है वो डिस्टेंस के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है, तो यहाँ से अगर हम लोग आर में से एल को माइनस करें तो एल की वैल्यू बहुत छोटी है, तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर ऑलमोस्ट किसके इक्वल एज्यूम कर लेंगे हम लोग, आर स्क्वायर के। और अगर हम लोग यहाँ पे आर स्क्वायर के इक्वल एज्यूम करें देन ई किसके इक्वल होगा बच्चों, टू के पी अपॉन नीचे आर स्क्वायर इज टू स्क्वायर आर इज टू पावर फोर, आर से एक आर कैंसिल आउट होगा, फाइनल आंसर मुझे मिलेगा बच्चों टू के पी अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है, किसी भी डाइपोल की एक्सिस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो होता है टू के पी अपॉन आर क्यू। नाउ अब हम लोग बात करें, मैग्नीट्यूड हमें मिल गया, अब हम लोग बात करें डायरेक्शन की। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया है तो आपको देखना है कि अगर आप दो वेक्टर्स को सबट्रैक्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है बच्चों जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा डायरेक्शन वही रखेगा, मतलब जिसका जिस वेक्टर के पास में ज़्यादा पावर है डायरेक्शन वही रखेगा, ठीक है। तो आपने किस में से किसको माइनस किया बच्चों, पॉजिटिव में से आपने नेगेटिव को माइनस किया है, मतलब जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है नेट डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन होगी। तो आपको बच्चों याद रखना है कि डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा कैसी होती है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज की ओर होती है, मतलब डाइपोल के सेम डायरेक्शन में होती है, ठीक है। ये आपने फाइंड आउट किया किसी भी डाइपोल के एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हम लोग फाइंड आउट करते हैं
किसी भी डाइपोल की इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है। तो नेक्स्ट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। किसी भी डाइपोल की इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बनता है। ठीक है, नाउ एज इट इज आपने अज्यूम किया, मैंने एक डाइपोल अज्यूम किया माइनस क्यू चार्ज और ये मैंने अज्यूम किया प्लस क्यू चार्ज। दोनों डाइपोल्स के बीच का, दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपने अज्यूम किया 2L और डाइपोल के मिड पॉइंट से इसके इक्वेटर के ऊपर। बेटा इक्वेटर का मतलब होता है कि एक ऐसी एक्सिस जो एक ऐसी लाइन जो उसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो और मिड पॉइंट से पास होती है, उसे हम लोग बोलते हैं इक्वेटर। तो इसके इक्वेटर पे मिड पॉइंट O से x डिस्टेंस पे आपने एक पॉइंट अज्यूम किया P। इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ये आपको फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस होगा बच्चों L और ये डिस्टेंस भी कितना होगा L। नाउ अब हम लोग बात करेंगे इस पॉइंट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों वो दो चार्जेस के कारण होगा, एक होगा माइनस क्यू चार्ज के कारण और दूसरा होगा बच्चों प्लस क्यू चार्ज के कारण। अगर हम लोग बात करें इस माइनस क्यू चार्ज के कारण जो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नेगेटिव चार्ज का फील्ड आपको पता है बच्चों का होता है ऑलवेज अलोंग द लाइन होता है एंड कैसा होता है बच्चों टूवर्ड्स होता है। तो इसको मैंने अज्यूम कर लिया E1 की जो डायरेक्शन होगी बच्चों वो कैसी होगी टूवर्ड्स होगी। सिमिलरली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इसका जो फील्ड होगा वो बच्चों कैसा होगा, इसका जो फील्ड होगा वो अवे होगा और इसको आपने कितना अज्यूम कर लिया E2। इस फील्ड को बच्चों आपने अज्यूम कर लिया E2। ठीक है, अगर हम लोग E1 एंड E2 की वैल्यू की बात करें तो E1 किसके इक्वल होगा बच्चों के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ये बच्चों x हो गया, ये l हो गया, देन हाइपोटेन्यूस किसके इक्वल हो जाएगा x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर के, देन इट विल बी अंडर रूट x स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है इसका होल स्क्वायर, यानी कि के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम लोग E2 की बात करें तो E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो भी E1 के इक्वल आएगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर एंड आइडेंटिकल है तो बच्चों डिस्टेंस ये भी कितना होगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। नाउ अब इस पॉइंट पर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों वेक्टर्स को कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। ये वाला जो एंगल है ये एंगल आपने अज्यूम कर लिया थीटा, देन एज इट इज ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों ये वाला एंगल भी आपको थीटा मिलेगा। ठीक है, नाउ अब हम लोग इस E1 के दो कंपोनेंट करते हैं। पहला कंपोनेंट हमें मिलता है E1 का बच्चों हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड दूसरा मुझे मिलेगा वर्टिकल कंपोनेंट। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा होगा तो बच्चों ये वाला एंगल भी कितना होगा थीटा। आपको पता है किसी भी वेक्टर का थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है। तो ये वाला जो कंपोनेंट हो गया ये हो गया E1 कॉस थीटा एंड दूसरा जो कंपोनेंट होगा बच्चों ये वाला हो गया E1 साइन थीटा। सिमिलरली अगर हम लोग E2 के दो कंपोनेंट्स की बात करें, ये वाला बच्चों एंगल अगर थीटा तो ये वाला एंगल भी कितना होगा बच्चों थीटा होगा। E2 के हम लोग थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा वो होगा बच्चों E2 cos थीटा एंड दूसरा जो कंपोनेंट होगा ये कंपोनेंट हो जाएगा E2 sin थीटा। ठीक है, नाउ E1 एंड E2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है, इसका मतलब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा बच्चों वो कितना होगा, वो ये दोनों सेम डायरेक्शन में तो आपको ऐड करना पड़ेगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हैं ई नेट विल बी इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इक्वल टू E1 और E2 इक्वल है तो आप ये भी कह सकते हैं 2E1 cos थीटा इक्वल टू 2। E1 की वैल्यू आपने पुट की KQ अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू एल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ के क्यू इंटू ये जो 2 है इसको मैं एल के साथ लिख दिया 2L एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ पावर 1/2। नेट पावर कितनी हो गई एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की होल पावर 3/2। नाउ ई नेट विल बी इक्वल टू के क्यू इंटू 2L बच्चों किसके इक्वल होता है डाइपोल मोमेंट के पी के इक्वल KP अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज टू पावर 3/2। ये हमने फाइंड आउट किया बच्चों किसी भी डाइपोल की इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। अगर हम लोग यहाँ स्पेशल कंडीशन अज्यूम करें एक्स इज वेरी 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 ग्रेटर देन एल देन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट करें तो ई इक्वल टू KP अपॉन ये कितना होगा बच्चों x का क्यूब KP अपॉन एक्स क्यूब। ये हमने बात की किसी भी डाइपोल की इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है,
नाउ अब हम लोग बात करते हैं बच्चों डायरेक्शन की। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर हम लोग डायग्राम में देखें तो E2 साइन थीटा ने E1 साइन थीटा कैंसिल आउट कर दिया, बट नेट जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों वो कौन सी डायरेक्शन में है, वो ये जो डायरेक्शन दिख रही है आपको E1 cos थीटा इसकी डायरेक्शन में। बट E1 cos थीटा की अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो E1 cos थीटा की जो डायरेक्शन है बच्चों वो डाइपोल मोमेंट के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। कैसी डायरेक्शन है बच्चों, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप ये कह सकते हैं कि किसी भी डाइपोल के इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों वो होता है प्लस क्यू चार्ज से माइनस क्यू चार्ज की, और प्लस क्यू चार्ज से कहाँ होता है बच्चों, माइनस क्यू चार्ज होता है। और आप ये भी कह सकते हैं और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल, और इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ डाइपोल की, डाइपोल की अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस के पी वेक्टर अपॉन एक्स क्यूब, या नेगेटिव साइन ये बताता है बच्चों कि ई की डायरेक्शन एंड पी की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, अच्छा नाउ अगर हम लोग बात करें इक्वल डिस्टेंस की, तो एक्स डिस्टेंस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कितना मिला था बच्चों, के पी अपॉन आर क्यूब। यहाँ डिस्टेंस हमने आर अज्यूम किया था, के पी अपॉन आर क्यूब, और इस केस में आपने डिस्टेंस कितना अज्यूम किया बच्चों, एक्स अज्यूम किया, तो के पी अपॉन एक्स क्यूब। अगर हम लोग डिस्टेंस को आर अज्यूम करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा बच्चों, के पी अपॉन आर क्यूब। इसका मतलब आप ये कह सकते हैं कि एक्सिस पे इक्वल डिस्टेंस पे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है बच्चों उसका जस्ट क्या होता है, डबल होता है। यानी कि एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटर के इलेक्ट्रिक फील्ड का जस्ट डबल होता है। कब, जब डिस्टेंस हम लोग कैसे अज्यूम करते हैं, इक्वल अज्यूम करते हैं। दूसरी बात, सेकंड बात, कि एक्सिस पे और इक्वेटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है बच्चों वो हमेशा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। एक एक्सिस पे जो डायरेक्शन होती है वो डाइपोल की सेम डायरेक्शन में होती है, बट इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा डाइपोल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं, अभी तक हमने फाइंड आउट किया एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर हम लोग कोई एक जनरल पॉइंट अज्यूम करें जो ना तो एक्सिस पे है और ना ही इक्वेटर पे है, उस जनरल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक डाइपोल आपने अज्यूम किया, माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज एंड दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन आपने कितना अज्यूम कर लिया, 12। इसके मिड पॉइंट ओ से एक पॉइंट आपने अज्यूम किया पी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हो गए बच्चों आर कॉमा थीटा। मींस इस पॉइंट पी का जो पोजीशन वेक्टर है, वो डिस्टेंस है सेंटर से, वो कितनी है, आर है, और एंगल कितना बना रहा है विद हॉरिजॉन्टल, ये थीटा बना रहा है। इस पॉइंट पी पे मुझे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चों ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस पॉइंट पी पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बच्चों हम लोग एक ट्रिक काम में लेंगे। ट्रिक क्या है बच्चों, ये जो पॉइंट पी है यहाँ पे हम लोग इस पॉइंट पी को मूव नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, ये जो डाइपोल है इस डाइपोल को हम लोग दो कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, आपको पता है कि अगर हम लोग इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट कितना अज्यूम करें बच्चों, अगर हम लोग इसका डाइपोल मोमेंट पी अज्यूम करें तो पी का तो अगर हम लोग इस डाइपोल को दो कंपोनेंट में डिवाइड करें तो बच्चों देखो एक कंपोनेंट बनेगा थीटा के अलोंग, यानी कि एक कंपोनेंट बनेगा डाइपोल का ये वाला, मैं इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकता हूँ, ये माइनस क्यू चार्ज और ये मैंने कितना अज्यूम कर लिया, प्लस क्यू चार्ज। ठीक है, अच्छा पी का थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट होगा बच्चों वो कितना होगा, वो कंपोनेंट हो गया पी कॉस थीटा। मतलब ये जो डाइपोल था इसका ये वाला जो कंपोनेंट हो गया बच्चों ये कितना हो गया, पी कॉस थीटा। और इस डाइपोल का जो दूसरा कंपोनेंट होगा बच्चों उस तरीके से मैं ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, उसको मैं इस तरीके से ड्रॉ कर सकता हूँ, ये मेरा हो गया माइनस क्यू चार्ज एंड ये वाला हो गया मेरा प्लस क्यू चार्ज। यानी कि ये जो कंपोनेंट होगा इस डाइपोल का इसे हम लोग बोलते हैं पी साइन थीटा। वापस देखें बच्चों, सपोज करो मैंने यहाँ पे ये जो डाइपोल था मेरा पी, इसके मैंने दो कंपोनेंट किए बच्चों, ये कंपोनेंट हो गया थीटा के साथ वाला कितना हो गया पी कॉस थीटा, एंड दूसरा जो मेरा कंपोनेंट मिल गया मुझे, ये कंपोनेंट मिल गया मुझे पी साइन थीटा। नाउ अब हम लोग देखें कि ये जो पॉइंट पी है बच्चों, ये जो पॉइंट पी है ये पी कॉस थीटा के कहाँ पर है बच्चों, एक्सिस में है। मतलब ये जो डाइपोल बन रहा है पी कॉस थीटा, अगर हम लोग उस पॉइंट को देखें जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है तो वो पी कॉस थीटा के कहाँ पर है बच्चों, एक्सिस पे है। ठीक है, पी कॉस थीटा के एक्सिस पे है। एंड दूसरा जो अगर हम लोग दूसरे कंपोनेंट की बात करें पी साइन थीटा, तो हम लोग गौर से देखें तो पी साइन थीटा का ये वाला जो पॉइंट पी है वो कहाँ है बच्चों, इक्वेटर पे है।
एक्सिस पे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक डाइपोल का मुझे फॉर्मूला पता है 2kp/r³। अगर पी कॉस थीटा का इसे हम लोग बोल सकते हैं बच्चों पैरेलल कंपोनेंट। इसे पी कॉस थीटा का हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये जो कंपोनेंट है ये पैरेलल है इस लाइन के, तो इसे हम लोग बोलते हैं इसका पैरेलल कंपोनेंट यानी कि ई पैरेलल। एंड ये जो कंपोनेंट है पी साइन थीटा का ये पॉइंट कहाँ है बच्चों, इक्वेटर पे, तो इसे हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यानी कि पॉइंट पी पे मुझे दो कंपोनेंट मिल गए इलेक्ट्रिक फील्ड के। पहला मुझे मिल गया पैरेलल कंपोनेंट, कितना मिल गया बच्चे 2kp, बट पी की जगह हमारे पास में यहाँ क्या है बच्चों पी कॉस थीटा, देन 2kp cos θ/r³। सिमिलरली परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो होगा बच्चों वो होगा इक्वेटर पे फॉर्मूला होता है kp/r³, बट पी की जगह अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम मिलेंगे पी साइन थीटा। बस सिंपल से इतना सा लर्न करना है आपको कि एक कंपोनेंट मेरा बनेगा एक्सिस पे, एक कंपोनेंट मेरा बनेगा इक्वेटर पे। एक्सिस पे वैल्यू होती है 2kp/r³, बट पी की जगह मुझे पुट करना है पी कॉस थीटा, एंड इक्वेटर पे जो पॉइंट इक्वेटर पे जो फॉर्मूला होता है kp/r³, बट पी की जगह मुझे क्या पुट करना है पी साइन थीटा। नाउ अब बच्चों मेरे पास में दो वेक्टर्स हो गए और दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री, तो मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं √a² + b² + 2ab cos θ। मेरा a की वैल्यू मुझे मिल गई 2kp cos θ/r³² प्लस kp sin θ/r³² ठीक है बच्चों। नाउ ई नेट विल बी इक्वल टू kp/r³। अगर हम लोग कॉमन लें यहाँ से तो ये मुझे मिल गया kp/r³² स्क्वायर को हमने रूट से बाहर निकाल दिया, तो ये मुझे मिल गया kp/r³ रूट 2 का स्क्वायर कितना हो बच्चों, 2 का स्क्वायर हो गया 4cos²θ प्लस ये मुझे कितना मिल गया यहाँ पे sin²θ। ठीक है, देन ई नेट विल बी इक्वल टू kp/r³ √। अब बच्चों मेरे पास में दो ऑप्शन है, या तो मैं इस फॉर्मूले को कॉस में बना सकता हूँ या फिर मैं इस फॉर्मूले को साइन में बना सकता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने एज इट इज पुट किया 4cos²θ प्लस sin²θ को मैंने पुट कर दिया बच्चों 1 cos²θ। देन ई नेट विल बी इक्वल टू kp/r³ √1 + 3cos²θ। ये मुझे मिल गया किसी भी जनरल पॉइंट थीटा पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ड्यू टू डाइपोल। नाउ अगर हम लोग एक स्पेशल केस की बात करें, केस नंबर 1, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। अगर बच्चों में इस एंगल को 0 डिग्री कर देता हूँ, मतलब ये पॉइंट भी कहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट भी आ जाएगा इस डाइपोल की एक्सिस पे। एंड आपको पता है कि एक्सिस पे जो मैग्नीट्यूड होता है 2kp/r³। अगर मैं थीटा को यहाँ 0 पुट करता हूँ तो कॉस 0 इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ कॉस 0 को 1 पुट करता हूँ तो √4 यानी 2, तो फाइनल आंसर मेरा कितना आ गया 2kp/r³ एज इट इज प्रूव हो गया, जो अभी हमने इससे पहले प्रूव किया। केस नंबर 2, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर थीटा इक्वल टू हम लोग 90 डिग्री लें बच्चों, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 0। अगर मैं यहाँ 0 पुट करता हूँ तो फाइनल आंसर मुझे कितना मिल जाएगा ई नेट इक्वल टू kp/r³, जो कि मेरी वैल्यू कहाँ हो गई बच्चों इक्वेटर पे हो गई। ठीक है, नाउ अगर हम लोग इसी भी डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करें, तो मेरा जो डायग्राम बना था बच्चों वो कुछ इस टाइप से बना था। ये मेरा डाइपोल था -q चार्ज और ये मुझे मिल गया +q चार्ज। ये मेरा पॉइंट P था और ये एंगल मैंने कितना ज़ूम किया था बच्चों थीटा। यहाँ से ये मुझे कंपोनेंट मिल गया, ये पैरेलल कंपोनेंट, और ये मुझे मिल गया था परपेंडिकुलर कंपोनेंट। और यहाँ से ये दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री, और रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिला था इन दोनों वेक्टर्स के बीच का, वो मैंने ज़ूम कर लिया बच्चों कितना होगा यहाँ से, इससे अल्फा एंगल पे होगा। नाउ मुझे ये फाइंड आउट करना है बच्चों कि ये जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है। तो बच्चों देखिए, यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है, ये बच्चों एंगल कितना बन रहा है थीटा, प्लस ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है अल्फा। यानी कि विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल होगा वो हमेशा कितना होगा थीटा प्लस अल्फा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी बच्चों वो होगी थीटा प्लस अल्फा। नाउ अगर हम लोग यहाँ से अप्लाई करें टेन अल्फा बच्चों, तो इस ट्राइंगल से हम लोग देखें टेन अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, देन टेन अल्फा इक्वल टू ई परपेंडिकुलर अपॉन ई पैरेलल। बच्चों ई परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी मेरे पास में थी 2 kp sin थीटा, kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब, एंड ई पैरेलल की वैल्यू थी 2 kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो बच्चों मेरे पास में वैल्यू आती है 1/2 tan थीटा, यानी कि टेन अल्फा इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों मुझे 1/2 tan थीटा, एंड अल्फा इक्वल टू कितना हो गया टेन इनवर्स 1/2 tan थीटा। अगर ये अल्फा की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करें तो नेट मुझे डायरेक्शन मिल जाएगी विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, थीटा प्लस टेन इनवर्स 1/2 tan थीटा। ओके, ये मुझे मिल गया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे होगा।